हाय फ्रेंड्स, मैं हम सुधिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूं पांचवे दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के। इसके पहले आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सके बॉलीवुड से जुड़ी हुई, खास करके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिव्यूज एंड न्यूज। अब बात करते हैं किस तरह से पांचवें दिन का कलेक्शन होगा टॉयलेट एक प्रेम कथा का, उसके बारे में। और कई लोगों ने मुझसे कहा कि नून की और इवनिंग की रिपोर्ट्स क्या आई है, तो आपको बता दूं कि मॉर्निंग के रिपोर्ट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 60% तक गई थी, राइट, 55 से 60%। और जो खबरें आ रही है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, उसके हिसाब से ये सामने समझ में आ रहा है कि जो संडे की ऑक्यूपेंसी रेट थी, एवरेज की भी अगर हम बात करें, उससे बेहतर ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रेट है। और ये भी खबरें आ रही कि कई जगह हाउसफुल भी है। अब यानी कि ओवरऑल जो कलेक्शंस का फिगर जो समझ में आ रहा है, संडे का कलेक्शन आपको सभी को पता है कितना था, संडे का कलेक्शन 21 करोड़ तक का था। तो इस दिन का कलेक्शंस कितना होगा पांचवे दिन का, वो मेरा प्रेडिक्शन है 20 से 21 करोड़, उससे कम नहीं होगा। 20 से कम तो बिल्कुल नहीं होगा जहां तक मेरा मानना है। तो 20 से 21 करोड़ का मेरा प्रेडिक्शन है पांचवें दिन का। आपकी क्या राय है, कितना ये फिल्म कमा सकती है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। और खास इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। और आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपको जरूर ऐड करूंगा। और चलिए बस इतना ही, और देखते हैं आपके कमेंट्स किस तरह से आते हैं। चलिए